टाइगर बढ़ चुके हैं हमारे पार्क में, नई काउंटिंग का नंबर आ गया है। वो भी अंदर की तरफ ही जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद ये गायब हो जाएंगे। हाथी अंदर को जा रहे हैं ना जंगल की तरफ। ऐसी उंगली की टाइगर बाहर आ गया, पांचों की पांच गाड़ियों ने देखा ऐसे पूरा क्रॉस किया। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई सुबह के बज रहे 5:30, आज तो बहुत ही देर हो गई और आज की जर्नी शुरू हो रही है अभी, वो भी है ढेला जोन। आज सीन क्या हुआ, मुझे पता नहीं था मेरी यह सफारी है। गेस्ट ने लेट नाइट परमिट काटा होगा। 11:30 की मेरे पे 5 मिस कॉल है। सुबह 4 मैंने उनको उठ के फ़ोन किया, तब उन्होंने पहले तो फ़ोन उठाया नहीं, फिर उन्होंने बताया युवराज भाई आपकी गाड़ी हमने परमिट काटा और आपकी गाड़ी लगी हुई है, और मतलब काटा रामनगर के लोकल किसी ट्रैवल एजेंट ने, तो बोले आप कॉर्पोरेट ऑफिस रामनगर आ जाओ। मतलब आज गेस्ट हमारे परिचित नहीं है, आज गेस्ट जानते नहीं हैं हमें कि हम मतलब ऐसे ब्लॉग वगैरह भी बनाते हैं। अधिकतर जो मेरे संग गेस्ट रहते हैं ना, वो लोगों को पता रहता है कि ये भाई यूट्यूबर भाई है करके, पर आज नॉर्मल क्लाइंट है। तो देखते हैं क्या माहौल बनता है भाई, ज़बरदस्त। ऐसे गेस्टों के संग मज़ा भी आता है घुमाने में। तो निकलते हैं, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। पंजाब से? बहुत बढ़िया। फर्स्ट टाइम है अपना जिम कॉर्बेट? अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आजकल थोड़ा टाइगर साइटिंग वगैरह तो कम हो जाती है, पर जंगल आपको बहुत खूबसूरत मिलेगा। ऐसा नहीं टाइगर साइटिंग जीरो हो जाती है, जंगल घना बहुत हो जाता है ना, और टाइगर को हर जगह पानी अवेलेबल हो जाता है, तो वो मूवमेंट बहुत कम करता है। आजकल हाथी वगैरह ज़्यादा दिख रहे हैं, तो जंगल में सडनली अगर कोई एलिफेंट अगर गाड़ी में चार्ज करता है, अगर अटैक करता है, तो आप लोगों ने चिल्लाना नहीं है, ठीक है? आप लोगों ने संयम रखना है, आप लोगों को सेफ जोन तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। आप जितना चिल्लाएंगे वो गाड़ी में उतना माइग्रेट मतलब और ज़्यादा चार्ज करेगा, ठीक है? तो टाइगर का नंबर बताया मैंने कितना, 250+, और हिरन है 50,000, 50,000। ये उन लोगों के सवाल का जवाब भी जो लोग बोलते हैं युवराज भाई मेरा नाम युवराज है, ठीक है? वो लोग बोलते हैं युवराज भाई खुली गाड़ी में सफारी होती है, टाइगर अटैक तो नहीं करता है ना? टाइगर को पूरा भोजन अवेलेबल है, बहुत हिरन है, बहुत हिरन है। जिस दिन उसका भोजन कम हुआ हमें नहीं ढूंढना पड़ेगा, वो खुद ढूंढता हुआ आ जाने का। अभी फूड अच्छा होने की वजह से आप खुली गाड़ी में सफारी कर पा रहे हो। और दूसरा हिरन है, और आपके सवाल का दूसरा जवाब, टाइगर है नॉकटर्नल एनिमल, रात्रि चर, जिसे रात को दिखता है, समझ रहे हो? दिन में दिखता है इसे ब्लैक एंड व्हाइट। जब हम जंगल के अंदर जा रहे हैं तो इसे हम नहीं दिख रहे हैं, इसे पूरी गाड़ी दिख रही है, समझ रहे हो? इसे लग रहा है कि इतना बड़ा ये क्या आ गया है। इसीलिए बोलते हैं गाड़ी से उतरना नहीं चाहिए। अगर आप गाड़ी से उतर रहे हैं, हो सकता है वो आपको एनिमल समझ के झपट जाए। तो ये वाले कंडीशन में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अटैक होता है। गलतफहमी में भी टाइगर कई दफ़े ह्यूमन को अटैक कर देता है, ये रहता है। मैंने बोला 250 टाइगर है, अभी आप सोचोगे यार अंदर जाएंगे कितने सारे दिखेंगे, नहीं, पूरे पार्क में 250 है। पूरा पार्क इतना बड़ा है कि इसका क्षेत्रफल 1288 स्क्वायर किलोमीटर की, दो दिल्ली समा जाएंगे इसके अंदर। तो आप पूरा जंगल नहीं घूमते हो, 8 गेट हैं इसके। गवर्नमेंट बहुत थोड़े से एरिया में घुमाती है, 12-15% एरिया में। क्यों? क्योंकि जिस पार्क को आज आप विजिट करने जा रहे हो ना, ये एशिया का और इंडिया का पहला नेशनल पार्क है 1936, इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व है 1973। तो इसका वैल्यू अलग लेवल का है। आज 100+ नेशनल पार्क है हमारे देश में, 54 टाइगर रिजर्व है, इसका लेवल अलग लेवल का है। तो इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पे टूरिज्म को सेकंड नंबर पे रखती है, फर्स्ट नंबर पे कंजर्व करना रखती है। आए समझ? अभी रात को तो हम जंगल में आ नहीं सकते ना, तो उसको पकड़ना तो हमें कब आना पड़ेगा, सुबह की सफारी में सुबह सुबह, और शाम की सफारी में लेट इवनिंग, ये गेम होता है। लो जी आ गया आपका गेट, यहाँ से आपकी एंट्री होगी, फिर आप घूमोगे जंगल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दोनों साथ ही घूमेंगे। तो टाइगर भी बढ़ गया, 326 हो गए। 326 हो गए? अरे कब आई काउंटिंग, नहीं आ गई? अजय बताता था। चलो बहुत बहुत बधाई हो गई भाई, टाइगर बढ़ चुके हैं हमारे पार्क में, नई काउंटिंग का नंबर आ गया है, 326 हो गए। अब देखो कितने दिखते हैं इसमें साथ। अभी हम लोगों की यहाँ से सब सफारी शुरू हो गई ना, हमने ये ढेला गेट से एंट्री ली है। ऐसे हमारे कॉर्बेट के टोटल 6 जोन है ना घूमने के लिए, बट एक बार में एक ही में जाते हैं। अभी मॉनसून के कारण इसके 3 जोन बंद हैं, तो हमारा जोन का नाम ढेला है। ये पक्का ट्रैक केवल 5 किलोमीटर होगा, बाकी क्या है नेचुरल हैबिटेट है ना, एनिमल तो कहीं भी दिख सकता है। तो हम लोग तो देखते हुए चलेंगे, आप लोग भी सामने लेफ्ट राइट देखते हुए चलिएगा।
हाँ, कहीं पे आपको कुछ दिखता है, कोई एनिमल या कोई कंफ्यूजन लगता है तो आप गाड़ी रुकवा सकते हैं, फोटो ले सकते हैं। लेकिन अब कुछ रूल होते हैं ना जंगल में, मान ले गाड़ी से नीचे उतरना, कोई गार्बेज रैपर फेंकना, स्मोकिंग, शोर करना, एनिमल को टीच करना, ये हमारे लिए अलाउड नहीं होता है ना जंगल में। हमारा जो कॉर्बेट है ना सर, ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है ना, 8 अगस्त 1936 में इस्टेब्लिश हुआ है और इंडिया में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर भी यहीं पर लॉन्च किया गया था। अगर टाइगर डेंसिटी की बात करें तो ये इंडिया में नंबर वन पर आता है। अभी तक जो हमारा सेंसस वैसे बता रहे हैं अभी विभाग है कि 326 इतने टाइगर हो गए, लेकिन अभी तक जो पिछला चल रहा था उसमें 260 प्लस टाइगर दिखाए हुए थे ना यहाँ पर। हाँ जी, हाँ। लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग रहता है कॉर्बेट में टाइगर साइटिंग। उसका रीज़न क्या है कि कॉर्बेट बहुत बड़ा जंगल है, ये 1300 स्क्वायर किलोमीटर में। दूसरा क्या है, डेंस फॉरेस्ट है, तो वो जब तक रोड रिवर वेड ओपन में मूवमेंट नहीं करता ना तब तक हमें देख नहीं पाते, और कई बार वो रोड को सेकंड्स में क्रॉस कर जाता है। तो टाइमिंग का भी गेम है ना, राइट टाइम राइट प्लेस उसकी, और हमारी टाइमिंग मिलनी चाहिए। बाकी जो यहाँ पे एनिमल दिखते हैं, यहाँ पे 4 स्पीसीज हैं डियर की। सांबर डियर है, स्पॉटेड डियर है, बार्किंग डियर है और हॉक डियर है। हॉक डियर वैसे सिर्फ ढिकाला जोन में दिखता है, वो इनडेंजर्ड स्पीसीज है। उसके अलावा वाइल्ड बोर, जैगल, एलिफेंट ये दिख सकते हैं आपको। बिग कैट में टाइगर है और दूसरा लेपर्ड है, तेंदुआ। ये दोनों कॉमन तो नहीं दिखते, वो लकी चांस आने पे ये भी दिख सकते हैं। हाँ, इसके अलावा बेयर भी रिकॉर्डेड है कॉर्बेट में, लेकिन वो भी कॉमन नहीं है। बर्ड्स में यहाँ पे 600 स्पीसीज है, रेप्टाइल में 30 स्पीसीज है, कोबरा, किंग कोबरा, पाइथन, ऐसे स्नेक भी है, लेकिन ये भी कॉमन नहीं दिखते। तो मेन क्या है ना सर, नेचुरल हैबिटेट है, आप जंगल नेचर को इन्जॉय करते हुए चलिएगा, हमें जो दिखेगा हम दिखाएंगे, कहीं पर आपको दिखे तो आप भी रुकवा सकते हैं। सारे टाइमिंग का खेल है यहाँ पे, मिनट सेकंड में जंगल में मूवमेंट चेंज हो जाता है। जैसे दो गाड़ी है, कई बार ऐसा होता है एक को कुछ मिल गया तब तक दूसरा पहुँचा वो चले गया। तो मेन क्या है, आप जंगल नेचर को एंजॉय करते हुए चलिए, एनिमल बोनस है। तो मेन वॉच इन ऑब्जर्वेशन है, हम भी करते हुए चलेंगे, आप भी करते हुए चलिएगा जंगल को। टाइगर का जो हमें यहाँ पे इंडिकेशन मिलता है, कोई यहाँ पे रेडियो कॉलर नहीं है कि जीपीएस उससे हम उसको लोकेट कर पाएं। हमें जो नेचुरल साइंस होते हैं जैसे पग मार्क्स होते हैं या डियर मंकी के अलार्म कॉल्स होते हैं ना, साउंड टाइगर की प्रेजेंस को और एनिमल भी इंडिकेट करते हैं, तो वो अलार्म कॉल करते हैं, तो उसी से हमें मूवमेंट पता लगता है कि कोई कार्निवोर एनिमल आसपास है। बाकी हम भी आपको बताते हुए चलेंगे ना सर, कहीं पर कुछ पूछना है तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। हमारे साथ तो बहुत, एक तो युवराज भाई भी हैं, आपने शायद देखा होगा उनका यूट्यूब चैनल काफ़ी फेमस है कॉर्बेट कभी देखा, युवराज कॉर्बेट नाम बहुत ही फेमस है। हाँ, युवराज जिम कॉर्बेट, सब कृपा महादेव की। हाँ, सबसे पहली गाड़ी एंटर हुई थी डेला में ना, तो ये आगे ग्रासलैंड का एक एरिया है, उधर एलिफेंट बता रहे हैं। हाँ, ये जो हम जिस एरिया में अभी चल रहे हैं, ये डेला जोन का सबसे हाईलाइट एरिया है, यहाँ पे टाइगर बहुत बार क्रॉस करते हैं। सीजन में तो यहाँ पे लगभग रोज एक टाइम तो करता ही करता है टाइगर क्रॉस। तो गर्मी में आप बैठ जाओ यहाँ पे 2-3 घंटे इस रोड पे, कहीं और मत घूमो, आपको टाइगर क्रॉस करते हुए मिल जाएगा। और 2-3 घंटे बैठने के लिए भी पेशेंस चाहिए ना, आदमी भी थोड़ी देर में कहते हैं यार चलो गर्मी हो रही है वो ना, एसेंस का कहले बात। आगे टॉर्टोइस चल रहा है रोड पे, रोड पे देखो कछुआ, कछुआ आ गया, कछुआ लो जी लो। हाँ देखो जी एलिफेंट, एलिफेंट पाँच छः दिख रहे हैं उधर, छोटा बच्चा भी है ना, छोटे भी हैं, कई सारे हैं ना वहाँ पे, कई सारे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 बिल्कुल। जो सबसे राइट में है वो छोटा बच्चा भी है ना वहाँ पे। हाँ भाई ना, तो उसे देखो वो भी अंदर की तरफ ही जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद ये छोटा बच्चा गायब हो जाएंगे, हाथी अंदर को जा रहे हैं ना जंगल की तरफ। इसके डाल दियो ना यूट्यूब, क्या नाम था, जो एशियन एलिफेंट होते हैं ना इसमें मेल में ही टस्क होते हैं, फीमेल में नहीं होते, तो इसमें फीमेल और बच्चे ही हैं, एक छोटा सा छोटा टस्कर है एक मेल। हाँ, जो इधर से लेफ्ट से थर्ड वन आपको बिना दूर से दिखे। हाँ अपना रोज का काम है बाजी, ये
पेड़ आ रहा है हमारे आगे, जैकल है, जैकल ना इसलिए खड़ा हो। देखो पेड़ का दिख रहा सामने, देखो सामने है बैठा है जैकल शियार गीदड़ सामने बैठा है। डॉग फैमिली में ही आता है ये। देखो भैया सूर्य देवता आ गए, सूर्य देवता प्रणाम। ये है स्पॉटेड डियर, इन्हें हिंदी में बोलते हैं चीतल। ये बड़े बड़े झुंड में दिखेंगे आपको, बहुत सारे दिख रहे ना, पूंछ तो खड़ी है इनके, है ना। जब ऐसी बच्चे सेम अलर्ट अलर्ट है यार। देखिए मेल आया, एंटलर वाला जो दिख रहा है ना स्टैग, वो मेल है, फीमेल में नहीं होता, वो दिख रहा है मेल क्रॉस कर गया जो पीछे है। हाँ वो मेल है। मादा के सींग नहीं होते हिरन में, जिसके सींग मिलेंगे वो नर है, मादा के सींग नहीं होंगे। जैसे भैया ने बताया ना, हाथी में जो नर होता है उसके दांत होते हैं, दो तरीके के दांत होते हैं, खाने वाले दोनों के होंगे दांत, मादा के भी नर के भी। और जो मेल हाथी होगा नर होगा, उसके बड़े वाले जो दांत होते दिखाने वाले वो सिर्फ नर के होंगे। और एक हाथी ऐसा भी होता है जो नर होता है उसके दांत नहीं होते, उसे मखना कहते हैं। उसे कैसे पहचानोगे? उसके हेड से, मेल का हेड थोड़ा सा उठा हुआ होगा। और आजकल हाथी से पंगे नहीं लेने चाहिए, एक तो इनका मैटिंग सीजन भी है, वैसे भी गुस्से में रहते हैं। दूसरा फीमेल के संग आपने देखे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मतलब अभी तो अभी कल तो मैं नहीं आया था, परसों सफारी में और उससे पहले दिन सफारी में तीन तीन बार अटैक हुआ हाथी का, कभी आगे से हाथी, कभी पीछे से हाथी, कभी भगा रहे हैं, क्योंकि जंगल घना बहुत है ना। उतना बड़ा हाथी है वो एकदम साइलेंट खड़ा रहता है, चुपचाप आ जाता है एकदम गाड़ी में, और स्पीड बहुत तगड़ी होती है हाथी की। हमें लगता है इतना बड़ा जानवर है गाड़ी से तेज, उसका पिकअप बहुत होता है, एकदम पिकअप करेगा, और 40-45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। अपना फ़ोन, अपना वॉलेट, ये सब संभाल के रखना। ओके, खुला गाड़ी है, गिर जाएगा, दिक्कत होगा। यही क्या हुई थी, देखो जंगल के अंदर नहीं हुई थी, 2004-05 में आई थी, हमें भी याद है, हम छोटे थे उस समय, देखने गए थे शूटिंग। देखो मैं आपको बताऊं, थोड़ा पार्ट उसका डिकाला जोन वाला लिया था, कॉर्बेट का एक जोन है डिकाला, जहाँ पे वन नाइट स्टे कंपलसरी, अगर जीप में जाना है तो आपको जंगल के अंदर ही रुकना पड़ेगा, जहाँ नरेंद्र मोदी जी का बेयर ग्रिल्स के साथ शूट हुआ था। अच्छा, वो डिस्कवरी में आया था पंजे है, पंजे बाघ दे पंजे वेखो भाजी ऐसे हैं, ऐसे देखो, ये देखो ये पॉज, टाइगर के फुटप्रिंट ये दिख रहे हैं, पॉज नहीं दिख रहे ये वाले, ये आगे को देखिए ये अभी लगे हैं, ये ऐसे चला है टाइगर। पर अभी जैसे धूप का टाइम है ना, धूप निकल रही है तो अब डेंस की तरफ को निकल जाएगा, घने में को। ये जो हरियाली मिल रही है अभी, ये साल में आप कभी भी आ जाओ ऐसी हरियाली नहीं मिलेगी आपको। हरियाणा का स्टेट बर्ड तीतर, लंगूर। हट जाओ भैया, हट जाओ, क्या हो गया, मूड खराब है। टाइगर तो रोड बाय रोड ही चला भाई, ये देखो ना इसके नीचे पंजे लगे हुए हैं। यही थे हाथी सर, अभी हम जो हाथी देख रहे थे ना वो इधर ही कहीं था। देखो अभी गायब हो गए अंदर ना, जैसे जैसे ऊपर धूप चढ़ेगी सब अंदर निकल जाते हैं, तो सुबह सुबह का गेम होता है ना। नहीं तो आप सोचोगे यार हाथी तो बहुत बड़ा जानवर है यार, वो तो दिख ही जाना चाहिए, पर जंगल इतना घना है कि इसमें बगल में भी हाथी खड़ा होगा तो इतना साइलेंट हो जाता है ना, ऐसा साइलेंट हो जाएगा हाथी कि आप उसे हाथी समझोगे ही नहीं, आपको लगेगा पत्थर जैसा खड़ा है, पत्थर है कुछ, हाँ बिल्कुल चुप हो जाएगा। यहाँ बैठना बहुत पसंद करता है ना, ठंडा है। हाँ यहाँ तो दिखेगा तो सीधे मुंह पे ही दिखेगा। तो ये कैमरे लगे हैं ना जो आप देख रहे हैं, ये हाँ ये निगरानी के लिए है ना, कोई जंगल में इलीगल एक्टिविटी ना हो। आप देखो जो पंजे थले काफी बड़े बड़े हैं, पीछे पीछे देखो, पीछे से देखो ताजे लगे हैं बड़े बड़े पंजे, आगे को चल रहा है ये। चलो जी इस रोड में गाड़ियाँ कम आती करके भाग, इस रोड को बड़ा पसंद करता है, देखा ना देख लेगी ये तो, ये जो गड्ढा लग रहा था। हाँ ये बैठ सकता है,
सबसे महंगा है। देखो अजीब विडंबना है हम इंसानों के बाजार की, वहाँ पे वो लकड़ी सबसे ज्यादा महंगी है, उस लकड़ी का फर्नीचर जिसका जंगल बिल्कुल काम नहीं आता। ये टीक उस टाइम में लगाया था जब गवर्नमेंट रेवेन्यू में इंटरेस्टेड थी, वाइल्ड लाइफ में कम। आज गवर्नमेंट को पता चल रहा है, ये देखो बरसात है, इसके नीचे अभी भी हरा भरा होना चाहिए ना, इसके नीचे सूखा पड़ा हुआ है, पत्ते भी चौड़े होते हैं, पानी भी ज्यादा ऑब्जॉर्व करता है। टीक हो गया, यूकेलिप्टिस हो गया, यूकेलिप्टिस भी देखा है इसमें साथ साथ में सफेदा जिसे बोलते हैं, ये दूसरा पेड़ है ना, ये भी प्लांटेड है, ये नेचुरल नहीं प्लांटेड है। देखो नेचुरल और प्लांटेड में कैसे फर्क करोगे, इधर देखो जिगजैग पेड़ लगे हैं, टेढ़े मेढ़े लगे हैं ना, इधर सीरियल वाइज लगे हैं, तो समझ जाओ ये लगाए हुए हैं जब ये रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं लिया था उससे पहले। और एक हो गया पाइन का पेड़, आप पहाड़ों पे गए हो, यहाँ पहाड़ों पे आपको पाइन का पेड़ मिला होगा, चीड़ जिसे बोलते हैं, ये कहाँ से आया, हमारे उत्तराखंड का स्टेट ट्री तो बुरांस है, तो ये सब ब्रिटिशियन की देन थी पाइन वगैरह। तो आज इन्हीं पेड़ों की वजह से गवर्नमेंट को करोड़ों का प्रोजेक्ट चलाना पड़ रहा है, सेव द ग्राउंड वाटर, आज तो हमें पानी मिल रहा है, आने वाले टाइम में हम लोग पानी के लिए भी तरस सकते हैं। तो अभी ऑल उत्तराखंड से टीक वुड हटाने का ऑर्डर आ गया, इसकी जगह पे मिक्स फॉरेस्ट लगाएंगे, बट ये अभी इतना ज़्यादा लगा हुआ है कि एकदम नहीं हटा सकते ना, कई साल लगेंगे, धीरे धीरे करके हटा रहे हैं। अच्छा पेड़ नहीं है, अब ऐसा तो कहीं है नहीं बाजी की कहीं ग्रंथों में लिखा है कि टीक का ही फर्नीचर बनना चाहिए, वो हमारा माइंड सेट ही ऐसा कर दिया ना। देखो हम जिसको सबसे ज़्यादा महंगा खरीद रहे हैं वो जहाँ उग रहा है वहाँ किसी काम का ही नहीं है। जैसे और ये झाड़ी ले लो, ये लांटा ना आपके बगल में दिख रही, गोल गोल केप से बने हुए दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसा लग रहा होगा टेंट बना हुआ है। ये 18वें दशक में आया था, कोई बोलते हैं अंग्रेज लाया था, कोई बोलते हैं गेहूं में बीज आया था, बट इतना गंदा झाड़ी है, इसने इंडिया का नहीं पूरा वर्ल्ड का वाइल्ड लाइफ खतरे में डाल दिया। मतलब इसकी जड़ को भी जमीन में लगने नहीं देते हैं, उल्टा करके रख देते हैं, अगर वो जड़ जमीन में लग गई फिर दोबारा उग जाएगा, समझे कितना खराब है ना। तो इसे बोलते हैं लांटाना, हिंदी में आप इसे बटन फूल भी बोल सकते हैं। देखो सागवान के नीचे सूखा पड़ा है, नहीं पड़ा पूरा सूखा पड़ा है एक लाइन से, देखो और इधर देखो, इधर अपना हरियाली चल रही है। यहाँ पे पहले दलदली वाले एरिया होते थे ना, पानी पानी होता था वहाँ, यहाँ पे तब लगाए थे, अभी इतना ज़्यादा मतलब बढ़ गए हैं कि वो पानी तो इन्होंने ख़त्म किया ही किया, अभी अंदर का स्प्रिंग वाटर भी ख़त्म कर रहे हैं, ज़मीन का पानी भी। ये सारे हिरनों का बिहेवियर अलग अलग है, ये स्पॉटेड बताया ना बड़े बड़े हट्स में रहता है, अभी सांबर आएगा वो बड़े बड़े झुंड में रहता है, एक छोटू सा है बार्किंग वो आपको अकेला दिखेगा या जोड़े में दिखेगा, और सबके चिल्लाने में कितने परसेंट श्योर होता है कि आपके अगल बगल टाइगर है। भैया ने बताया ना जंगल में टाइगर वो प्रेडिटर है, जब वो सो रहा है तो सब चिल कर रहे हैं, समझ रहे हो, सब मौज में है, जब वो उठ के चलने लगा है तो जंगल में एक अलग सी हलचल शुरू हो जाती है, सब एक दूसरे को अलर्ट करते हैं, जो भैया ने बताया ना स्टार्टिंग अलार्म कॉल, एग्जैक्ट कॉल, क्यों, क्योंकि आप पूरा दिन जंगल के अंदर नहीं है, आपको सिर्फ 4 घंटे मिले हैं, है ना, उसमें से क्या रहता है आपका, टाइगर इतना चालाक है कि उसे पता है भाई स्पॉटेड डियर को मेरी हवा में स्मेल आ जाती है ना, तो वो हवा के भी विपरीत चलता है, तो बड़े दिमाग से मतलब उसे पकड़ने के लिए आपने एग्जैक्ट कॉलें पकड़नी है, समझ रहे, जैसे सांबर डियर की कॉल, सांबर चिल्लाएगा तो इतने परसेंट इधर कोई चले गए, फिर उसके बाद स्पॉटेड बार्किंग छोटू सा होता है, किसी भी चीज़ को देख के डर के चिल्लाने लग जाता है, फिर बंदर का अलार्म कॉल, बंदर जब चिल्लाता है बंदर की और हिरन की दोस्ती होती है, फिर लंगूर का अलार्म कॉल, ये सब चीज़ें इंडिकेशन देते हैं हमें ना, इससे ही हमें पता चलता है कि हमारे अगल बगल कोई टाइगर है, नहीं तो अपन कौन सा अंतर्यामी यार, हमें पता चल रहा है टाइगर आ रहा है, समझ रहे हो, उसी की आवाज़ से पता चलेगा ना हमें। पर ये सब तुक्के भी हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ अलार्म कॉल हो रही है, क्या पता टाइगर जा चुका है ना, पर यह है कि हम रुकते हैं तुक्का मारते हैं, कभी कभी लग जाता है, वो ले जाने वाले के दिमाग में तुक्के लगते रहने चाहिए, कहीं ना कहीं एक तुक्का परफेक्ट बैठ जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड का कोई भी टाइगर स्पेशलिस्ट टाइगर की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता है। बाघ बहुत चालाक हैं, जिम कॉर्बेट साहब एक शिकारी थे जिनके नाम पे पार्क है, जिम कॉर्बेट ना शिकारी थे, हंटर थे, तो उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि जिम टाइगर जो को जेंटलमैन, वो बहुत चालाक हैं, अपन जहाँ सोचना ख़त्म करते ना वो वहाँ से शुरू करता, बहुत चालाक, हाँ हाँ टाइगर तो सब पे हाथ आजमाता है गुरु जी, मुर्गा ही सही मोर ही सही जो आ गया अपना, और ये भी नहीं कि जंगल में सबसे बड़ा प्रेडिटर है उसे रोज ही शिकार मिल रहा है, आपके हिसाब से टाइगर को कितने टाइम में शिकार मिलता होगा बताओ, 12 से 15 बार टाइगर फेल होता है तब जाके उसे शिकार मिलता है, कई दफे भूखा भी रह सकता है, 12 से 13 दिन तक भूखा रह सकता है, पर पानी रोज चाहिए उसे, पानी की नीड ज्यादा होती है ना।
भाई यही यही है ना, जैसे जब जब खुले में आया अब बंदर ने देख लिया, हो गया शिकार, विफल हो गया ना, क्योंकि बंदर की कॉल से डियर अलर्ट हो गया। टाइगर है मतलब वजनी जानवर है ना, उसका वजन भी ज़्यादा होता है, वो ऐसे ऐसे वाला नहीं है, वो ऐसे वाला है, एम्बुश हंटर है ना, लपकने वाला सीधे। तो आप लोग पंजाब से हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम रुकेंगे, यही एक पॉइंट है जहाँ पे आप पूरे जंगल में उतर सकते हैं, सिर्फ एक पॉइंट यही है। सेफ है? सेफ है मैडम। तो आप उतरिए यहाँ पे, फ़ोटो वोटो लीजिए, टाइगर आएगा उसे दे देना फ़ोन, वो खींचते रहेगा, ठीक है। अब एक दिन महाराष्ट्र के गेस्ट थे हमारे संग, पांच गाड़ी थी, पांच गाड़ियों के इकट्ठे टाइगर देखना एक बड़े अचंभे वाली बात होती है। हम सब यहीं आए दादी, एक कॉल हो गई स्पॉटेड डियर की इधर से, तो मैंने गाड़ी वाले से बोला यार कॉल हो रही, बोले छोड़ यार योगी भाई कॉल होती रहती है, मैं आ इधर को, मैंने कहा इधर नज़र रखना है, टाइगर निकल सकता है, ऐसी उंगली की टाइगर बाहर आ गया, पाँचों की पाँच गाड़ियों ने देखा, ऐसे पूरा क्रॉस किया। खुला एरिया है ना, खुला एरिया है ना। भाई टाइगर का माहौल तो है यहाँ पे, डियर ना आगे नीचे को यार, और डियर क्रॉस करते हैं आगे, टाइगर का माहौल तो है, बंदर बोल रहे ना, बोलो मत बोलो मत, यहीं कहीं बैठा है टाइगर, यहाँ कहीं बैठा होगा ना, बंदर की उसकी नज़र पड़ रही है, अगर चल रहा होता तो बंदर कंटिन्यू कॉल करता, बैठा है तो रुक रुक के कर रहा है। अभी क्या सिस्टम हुआ ना, हर बार अलार्म कॉल, मतलब हर बार ऐसा नहीं कि अलार्म कॉल के बाद टाइगर ही दिख जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि जब टाइगर आएगा हर बार अलार्म कॉल ही हो, कई दफ़े क्या होता है बिना अलार्म कॉल के भी मिल जाता है, क्योंकि आजकल क्या अलार्म कॉल आजकल कम होती, जंगल घना बहुत है, जब वो बंदरों को हिरनों को दिखेगा तभी तो वो चिल्लाएंगे ना, जंगल डेंस हो रहा उन्हें ही नहीं दिख पा रहा आजकल। तो हमने कई दफ़े रैंडम मुलाकात भी देखी है कि चुपचाप, जैसे कुछ दिनों पहले हुआ था, अचानक मिल जाए, और कई दफ़े अलार्म कॉल के बाद भी नहीं आता। वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम ये थी ना, एक तो बंदर भी नीचे थे और डियर नीचे को भाग गए, हो सकता है वो पहले निकल गया ऊपर को। आ गए जी भैया, आज टाइगर तो मिला नहीं, फिर हाथी थे आज का। कहीं इंडिकेशन कोई खास था नहीं, दूरबीन तो हमने फेंक दी, क्या करना था, फिर टाइगर दिखा नहीं वहीं बहगा है। तो यार आ गए हैं आज, थोड़ा जल्दी आ गए यार, क्योंकि क्या था ना, दो गाड़ी थी उनकी और किसी और रामनगर के ट्रैवल एजेंट ने परमिट काटा हुआ था, और एक में बच्चे वगैरह थे यार, तो वो लोग बोले चलो चलते हैं चलते हैं, मेरी गाड़ी वाले गेस्ट तो थोड़े कन्वेंस थे, अगर रुको बोलता मैं रुक जाते, तो बोले जो दूसरी गाड़ी वाले कह रहे हैं वही करो युवराज। तो भाई ज़बरदस्त रही आज की जर्नी भी, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यारों में ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।